नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। जिले के सिधाई मोहल्ले में स्थित श्री इच्छा पूर्ति गौरी शंकर मंदिर ट्रस्ट परिसर के बाबू बच्चा सिंह निलायक रेला के आशीर्वाद से श्रावण मास के पावन अवसर पर लगातार 8वीं बार श्री शिव महापुराण कथा जो 14 जुलाई से प्रारंभ होकर 11 अगस्त तक सायकाल 3 से 5 तक चलेगा, जिसमें श्री कथावाचक आचार्य पंडित अजय भारद्वाज पैनुली बद्रीनाथ आचार्य पंडित के मुख्य श्री कथा का प्रसारण कराया जाएगा। 11 अगस्त को भव्य भंडारे का आयोजन किया है, जो सुबह 11 सायकाल 5 बजे तक चलेगा। आज पूरा कथा प्रारंभ हुआ। मुख्य ट्रस्टी श्रीमती कुसुमता सिंह व बाबी रेलिक सिंह ने कोविड का ध्यान रखते हुए मास्क के साथ समुचित दूरी बनाते रहे सभी नगरवासियों से श्री शिवपुराण शिव महापुराण कथा में सम्मिलित होने और भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने की अपील की है। जी मैम, परिचय देते हुए कार्यक्रम के बारे में बताएं। मैं श्रीमती कुसुमलता सिंह सिधारी स्थिति गौरी शंकर मंदिर की मुख्य ट्रस्टी हूं और ये मेरे पति द्वारा स्थापना की गई है मंदिर की। ये बहुत प्राचीनतम मंदिर रहा, लेकिन इसका जीर्णोद्धार उन्होंने कराया। जो एक भव्य मंदिर की हमारी इच्छा है कि ये एक भव्य मंदिर का रूप ले और हमारे नगर निवासी और हमारे क्षेत्रीय निवासी, जिसमें हर साल यहाँ एक महीने का महाशिवपुराण की कथा होती है, जो हमारे बद्रीनाथ के पंडित जी अजय भरद्वाज पैनुली जी द्वारा किया जाता है। जब से इस मंदिर की स्थापना हुई है, यहाँ के प्रभु की कृपा से यहाँ के जो पुजारी जी हैं वो बद्रीनाथ के ही पुजारी जी हैं, और हमारे नगर निवासियों का बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, सद्भाव सद्भावना के साथ यहाँ आपस में मिलजुल के काम करना, सबका सहयोग होना और मंदिर का निर्माण और निर्माण में भी सहयोग करना, लोगों ने अपना बहुत योगदान दिया है। और हमारी यही इच्छा है कि मंदिर के लिए सिंह साहब यही चाहते थे कि ये कार्य अनवरत चलता रहे। तो मैं यही चाहती हूँ कि बिना हमारे क्षेत्रवासियों के द्वारा, नगर निवासियों के द्वारा ये कार्य अधूरा रहेगा। इसमें सबको सहयोग करना पड़ेगा और वही उनकी इच्छा को हमारे नगर निवासी ही पूरा करेंगे, हमारी भाई बहन बंधु सभी लोग मिलकर के। इस पवित्र श्रावण मास में यहाँ एक महीने कथा सबके लिए जो भी होता है, हमसे कुछ न कुछ हम सहयोग करते हैं। मंदिर की तरफ से गरीबों का ब्याह कराना, विकलांगों के लिए कुछ ना कुछ करना और भी काफ़ी चीज़ें, यहाँ जो यथा स्थिति जैसा बनता है वैसा हम सहयोग करते रहते हैं। और हम यही चाहते हैं कि भगवान ऐसी कृपा हमारे पर बनाए और हमें इतनी शक्ति दे, इस दुख की घड़ी में भी इतनी शक्ति दे कि हम ये कार्य कभी भी अधूरा ना छोड़े और हमसे ये पूरा, हमारे बच्चे हमारी पीढ़ियाँ इस कार्य को अनवरत करती रहे और हमें अपने नगर निवासियों का सहयोग मिलता रहे और हमारे प्रभु की कृपा हम सब पे बनी रहे, हमारे नगर निवासियों पे भी बनी रहे। और हमारे श्रावण मास में पूर्णिमा के दिन एक भव्य भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें लोग बढ़ चढ़ करके आए और भोलेनाथ के प्रसाद को ग्रहण करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, भगवान भोलेनाथ कहते हैं। मैं बॉबी सिंह रेड़ा, सिधारी आजमगढ़ से। हमारे श्री गौरी शंकर मंदिर ट्रस्ट के द्वारा लगातार 8वां श्रावण मास के पावन अवसर पर श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है, जो कि दिनांक 14 जुलाई 2022 से 11 अगस्त 2022 तक चलेगा। 11 अगस्त 2022 को रक्षाबंधन का पावन पर्व भी है और उसी समय हमारे यहाँ भंडारे का आयोजन भी किया गया है। यह सब श्री बाबू कुचा सिंह रेड़ा जी की आशीर्वाद से ही संपन्न हो पा रहा है। तो ऐसे में आप मीडिया के माध्यम से आजमगढ़ की जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहूँगा कि आजमगढ़ की जनता अपना पूरा सहयोग हमें करे और हमें अपने सहयोग से, अपने प्यार से, अपने स्नेह से हमें और तरक्की के रास्ते पर लेके जाए। और मंदिर सार्वजनिक है, इस पर किसी का एक आदमी का अधिकार नहीं होता है, तो हम ये चाहते हैं कि पूरे जनमानस को ये मौका है इस समय कि वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा कोविड नियमों का पालन करते हुए भीड़ ला के इस पावन पर्व को सफलतापूर्वक पूरा करें।